If somebody wants to donate every part of his body to the needy after death, what will be the end of this karma on his next birth? देखो आप अपनी तरफ से एक उत्तम कर्म कर रहे हो, अच्छा है, मेरे हिसाब से ये उत्तम है, बहुत अच्छा है कि आप अपने शरीर के हर ऑर्गन को डोनेट करना चाहते हो, उत्तम है, शुद्ध है, पवित्र भाव है। बट मैं फिर कह रहा हूं, इसको किसी पुण्य के लालच में मत करना, निष्काम भाव से करना कि किसी का कल्याण तो हो जाए। मैं फिर कह रहा हूं, अगर तुमने अपने किसी भाव से किया, सकाम भाव से किया, इच्छा करके किया कि मैं ये डोनेट करूंगा तो पता नहीं मुझे अगली बार जन्म में राजा बनाकर भेज दिया जाए, मन में ऐसा भाव मत रखना। अगर तुमने ऐसा भाव नहीं रखा रखा अगर रखा तो ठीक है, परमात्मा हो सकता है तुम्हारी कोई इच्छा पूरी भी कर दे, कर सकता है, क्योंकि ये बात बड़ी है, ऑर्गन डोनेट करना आसान नहीं है। अच्छा है, पॉजिटिव है, शुद्ध है, उत्तम है, बहुत अच्छा है, पर अगर मेरे कहने से इसमें कोई भाव मत रखना। कह देना तेरी वस्तु त्वदीयं वस्तु गोविंदे तुभ्यमेव समर्पयामि, तेरी वस्तु तुझे समर्पित प्रभु, मैं समर्पण भाव से, किसी का कल्याण हो जाए, मेरे शरीर का क्या, मेरे शरीर का क्या, मेरा तो मैं तो जा ही चुका हूं, मेरा मैं तो मर ही चुका हूं। अगर ये शरीर किसी के निमित्त आ सके, यकीन मानना इस भाव से किया हुआ आपका डोनेशन, आपका अंग दान आपको लाखों करोड़ों गुना मल्टीप्लाई होकर फल देगा। और क्या देगा मैं नहीं कह सकता, क्या देगा मैं नहीं कह सकता, वो परमात्मा ही जाने, पर मेरी बात समझ लेना, बात बहुत इंपॉर्टेंट है, भाव बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एक है सकाम भाव, इच्छा करके वो करना, वो तो सौदा है, वो सौदा है, भाई मैंने कुछ किया मुझे उसके बदले में कुछ दो, ये तो सौदा हो गया। लेकिन दूसरा क्या है, मैंने निष्काम भाव से किया, प्रभु तेरी चीज तुझे समर्पित, ये भाव रख लेना, मैं गारंटी देता हूं कुछ के कुछ हो जाओगे, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ और सोचने की, हो सकता है परमात्मा उसी समय मुक्ति प्रदान कर दे, हो सकता है, मैं नहीं कह सकता अभी।